guys, welcome to my channel. I hope everyone is fine. And this is my first beauty blog. And in this video, I'm going to share my first time purchase experience with Nykaa and its product review. But before that, if you are new on my channel, please don't forget to subscribe me and please click on the bell icon so you will get notification of my upcoming videos. So without doing any further delay, let's start this video. मैंने नायका से 9 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे एंड वो सारे प्रोडक्ट्स मुझे एक ही बॉक्स में इस तरह का बॉक्स मिला जिसमें रिसीव हो गए थे. तो जब अभी ओपन करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बिल दिखता है जिसमें आपके प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स रहती है. देन एक बबल वाली शीट में सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से रैप थे एंड मैंने चेक किया तो उसमें कुछ भी डिफेक्ट वगैरह नहीं था, मतलब कुछ टूटा फूटा नहीं था. सो पैकेजिंग वॉज गुड. एंड ये मैंने 26 जुलाई को ऑर्डर किया था एंड मुझे रिसीव हुआ 30 जुलाई को, मीन्स विदिन द 4 डेज. एंड ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन में भी ये 4 डेज में मुझे डिलीवरी मिली. सो बिग थम्स अप फॉर दैट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट रिव्यू. एंड माई फर्स्ट प्रोडक्ट इज इंस्टेंट रूट कंसीलर हेयर स्प्रे फ्रॉम द लॉरियल पैरिस. सो ये एक हेयर स्प्रे है, अगर बालों में आपके गैप्स है या फिर आपके रूट के यहाँ के बाल व्हाइटिश या फिर ग्रे हो गए हो तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं. एंड ये मेरा फर्स्ट परचेज था इसलिए मैंने ट्रायल के लिए इसका छोटा वेरिएंट लिया है. और ये है 75 ml का एंड 75 ml में आप ये 25 times यूज़ कर सकते हैं. एंड एक बार यूज़ करने के बाद आप जब तक आपके बाल वॉश नहीं करते तब तक ये आप कलर आपके हेयर पे ही रहेगा एंड वन शैम्पू में ही निकल जाता है तो उसका कुछ टेंशन नहीं है. एंड इस तरह के प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन चेक किए बट मुझे कोई इसका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट नहीं मिला. सो अगर आपको कुछ इसके बारे में मालूम हो देन प्लीज़ कमेंट डाउन इन बिलो सेक्शन एंड लेट मी नो. सो माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम बायोटी, इट्स अ बायो पपाया टैन रिमूवल स्क्रब. सो ये भी मेरा फर्स्ट परचेज था बायोटिक से. सो इसे मैंने इसका भी छोटा वेरियंट लिया है 50 ग्राम्स का. एंड ये यूज़ करने के बाद डेफिनेटली आई कैन से कि ये बेस्ट स्क्रब है अदर इन दी मार्केट में जो अवेलेबल से. एंड ये बेसिकली सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप एंड प्रोडक्ट के लिए कहीं आप डेली यूज़ कर सकते हैं लेकिन एज पर माई रिकमेंडेशन वंस इन अ वीक इज़ फाइन. एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बाई दिस अगेन, इज अमेजिंग प्रोडक्ट. आपको एक यूज़ में ही इसका इफेक्ट आपके चेहरे पे दिखता है. एंड सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम माई फेवरेट ब्रांड दैट इज़ मेबेलिन. एंड द प्रोडक्ट्स आर फाउंडेशन एंड द कंसीलर. फाउंडेशन इज अ फिट मी फाउंडेशन एंड द शेड इज अ 230 नेचुरल बफ. एंड द कंसीलर इज अ इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर, इसकी शेड है 122 सैंड. एंड बोथ दी प्रोडक्ट एकदम रिजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल है, हाईली रिकमेंडेड टू बिगिनर बिकॉज ये एकदम ईजी टू यूज़ है, एकदम लाइट है, पिगमेंटेड होते हैं अच्छे से अपने स्किन के ऊपर. एंड आज के ये लुक में मैंने ये दोनों प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सो यू कैन सी द रिजल्ट्स. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ चॉकलेट वैक्स एंड इट्स फ्रॉम दी बॉडी केयर. सो ये एक हॉट वैक्स है जिसे आप यूज़ करके आपके हैंड्स, लेग्स एंड अंडरआर्म्स के हेयर्स रिमूव कर सकते हैं. एंड अगर आपके पास हॉट वैक्स गर्म करने की मशीन ना हो तो आप ये डायरेक्टली माइक्रोवेव में रख के गर्म करके यूज़ कर सकते हैं. एंड बेसिकली मैंने अभी तक तो यूज़ नहीं किया है लेकिन इन कमिंग डेज आई एम गोइंग टू डेफिनेटली ट्राई दिस. एंड इसका जो रिव्यू रहेगा वो मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट के स्टोरीज में मैं अपडेट कर दूँगी. सो अगर आपने मुझे वहाँ पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ये वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद प्लीज़ चेकआउट माई पेज एंड फॉलो मी ओवर देयर. सो अगला जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो द बेस्ट प्रोडक्ट है मैंने जो सारी जो नायका की शॉपिंग की है उसमें से. एंड वो है मेबेलिन न्यूयॉर्क का सुपर स्टेम मैटिंग लिपस्टिक. सो इसका जो शेड है वो फाउंडर है शेड का नाम. एंड ये मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल है ऑनलाइन, लाइक ये लिपस्टिक की रेंज तो आपको जो चाहिए वो कलर्स आप चूज़ कर सकते हैं. एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस लिपस्टिक इज ट्रांसफर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है. एंड द मेन थिंग इज आप अगर मैट लिपस्टिक के फैंस हो
तो मुझे तो वो इशू है कि आफ्टर सम टाइम यूज़ करने के बाद ना आपके लिप्स पे क्रैक्स आ जाते हैं। सो ये लिपस्टिक मैंने दिन भर यूज़ किया था लेकिन मुझे वो इशू ज़रा भी नहीं आया एंड मेरे लिप्स भी ज़रा भी ड्राई नहीं पड़े। सो दिस इज़ बेस्ट लिपस्टिक टिल डेट एंड ये लिपस्टिक मैंने अभी भी यूज़ किया है। सो आप इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं कि वेयर करने के बाद कैसे दिखता है। एंड ये लिक्विड लिपस्टिक के साथ मैंने और दो लिप क्रेयॉन्स लिए थे के ब्यूटी से, वो भी लॉन्ग लास्टिंग एंड ट्रांसफर प्रूफ है। अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करने में इश्यू होता है तो डेफिनेटली वो एक अनदर गुड ऑप्शन है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। एंड उसमें नीचे के साइड में एक शॉर्पनर भी रहता है वो शॉर्प करने के लिए क्रेयॉन आपके। सो यस, अगर आप बिगिनर हैं एंड आपको इश्यू होते हैं आपके लिप्स पे लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करने के लिए तो आप वो क्रेयॉन जरूर यूज़ कीजिए। And the last but not the least, the final product is the nail paint. ये LA 18 की nail paint है, उसका shade 45. But I'm highly disappointed with this product because ये मैंने जब online check किया था तो इसका color कुछ अलग था, पर जब मैंने nail पे apply किया तो इसका कुछ अलग ही निकल के आया। सो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। Also ये एक ही दिन में ये निकलना चालू हो जाता है, so I'm not going to definitely recommend this to you. But this is my personal opinion. You can check this out and if you like you can buy this whatever you want. But no from my side. So guys, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है then please hit the like button. And if you have any queries or suggestions for me, please comment down in the below section. See you guys in the next vlog.